वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के एक अचार की रेसिपी, जिसे मैंने कद्दूकस करके बनाया है। तो आइए देखते हैं इस अचार को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने यहाँ 1 किलो कच्चा आम लिया है, सरसों का पाउडर 2 चम्मच, अजवाइन और मंगराइल आधा आधा चम्मच। मैंने अचार में काला नमक का इस्तेमाल किया है स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, धनिया और गोलकी का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 लाल मिर्च ली है, जिसे मैंने रोस्ट करके मसाला तैयार किया है, और अचार में डालने के लिए सरसों का तेल। सबसे पहले हम आम को धोकर छील लेंगे और छीलने के बाद इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद हम उसके रस को निकाल लेंगे। रस को निकालने के लिए आप स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और मसालों को एक साथ प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। अचार के लिए हमें हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसमें से धुआं निकलने लगे, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तेल गुनगुना हो, उस स्टेज पर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ खड़े मसाले में अजवाइन और मंगराइल डाला है। आप चाहें तो अचार में हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप हींग इसी समय डालें। इसके बाद मैंने 2 चम्मच सरसों का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, सभी को डालकर तेल में अच्छी तरह से मिला दिया है। ऐसा करने से क्या होगा कि मसाले में अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर हो तो वो निकल जाएगा और अचार ख़राब होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस समय हम सारे मसाले को डालकर इसे अच्छी तरह से चला देंगे। आप चाहें तो अचार में सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक डालने से अचार ज़्यादा चटपटा बनता है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ काला नमक इस्तेमाल किया है। अब हम इस मसाले को कद्दूकस किए हुए आम में डाल देंगे। आम को कद्दूकस करने के बाद मैंने एक स्ट्रेनर में डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि आम में मौजूद मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है वो निकल गया। अब हम अचार को किसी सूखे चम्मच से अच्छी तरह से मिला देंगे। मिला देने के बाद इसे हम 3 से 4 दिन किसी कॉटन के कपड़े से ढककर धूप में दिखाएंगे। अगर धूप ना निकलता हो तब हम इसे, इस अचार को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक सूखे हुए कांच के बर्तन, कांच के बोतल में डाल देंगे। याद रखना है कि अचार को हमें हमेशा कांच के ही बर्तन में रखना है। तो एक सूखे हुए कांच के बर्तन में हम इसे डाल देंगे। मैंने यहाँ एक कांच का जार इस्तेमाल किया है। सूखे हुए कांच की बोतल में हम अचार को डाल देंगे। अगर आप धूप में दिखाते हैं तो अचार से मॉइस्चर सूख जाता है। अगर धूप में आप अचार को नहीं डाल सकते हैं, तब ध्यान देना है कि जब हम बोतल में अचार को डालें तो बोतल में अचार ख़त्म होने के बाद उसमें थोड़ा तेल अच्छी तरह से गर्म करके डाल दें, ताकि अचार तेल से कोटेड हो। ऐसा होने से अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अगर धूप नहीं दिखा सकते हैं तो बोतल में अचार रखने के बाद थोड़ा सरसों तेल आधा कप लगभग गर्म करके ठंडा करने के बाद उसे बोतल में डाल दें, ताकि अचार में हवा मॉइस्चर ना जा सके, जिससे कि अचार नहीं ख़राब होगा। इस तरह से अगर आप अचार बनाकर उसमें तेल को अच्छी तरह से कोट करके डालेंगे तो बिना धूप में रखे भी अचार आपका साल भर ख़राब नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से अचार बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरे कद्दूकस किए हुए आम के अचार की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।